अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हुए हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपसे ग़ज़वा अहज़ाब के हवाले से कुछ सवाल शेयर करेंगे। सवाल नंबर 1, सन हिजरी की सबसे बड़ी जंग कौन सी है? इसका जवाब है सन हिजरी की सबसे बड़ी जंग ग़ज़वा अहज़ाब या खंदक है। सवाल नंबर 2, इसको ग़ज़वा अहज़ाब क्यों कहते हैं? इसको ग़ज़वा अहज़ाब क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है इसलिए कि इस जंग में अरब की बड़ी बड़ी जमातें एक होकर मदीना पर चढ़ आई थी, इसलिए इसको ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। सवाल नंबर 3, इस जंग को ग़ज़वा खंदक क्यों कहते हैं, यानी कि इस ग़ज़वा अहज़ाब को ग़ज़वा खंदक क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है इसलिए कि इस जंग में मदीना के इर्द गिर्द खंदक यानी खाई खोदी गई थी, इसलिए इसको ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। सवाल नंबर 4, ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था, यानी कि ग़ज़वा खंदक में किस सहाबी ने मशवरा दिया था कि आप खंदक खोदें? इसका जवाब है ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने दिया था। सवाल नंबर 6, ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, यानी मुसलमानों का लश्कर कितना था, मुसलमानों की फ़ौज कितनी थी? इसका जवाब है ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की तादाद 3000 थी, 3000 लश्कर था, 3000 मुसलमानों की फ़ौज थी। सवाल नंबर 7, ग़ज़वा खंदक में कुफार की तादाद कितनी थी, यानी कुफार की फ़ौज कितनी थी, काफरों की फ़ौज कितनी थी और इनका लश्कर कितना था? इसका जवाब है ग़ज़वा खंदक में कुफार की तादाद 10000 थी, कुफार की फ़ौज 10000 थी, उनका लश्कर 10000 था। सवाल नंबर 8, ये खंदक कितने दिनों में खोदी गई थी, यानी कि ये खंदक जो थी ये कितने दिनों में खोदी गई थी? इसका जवाब है ये खंदक 6 रोज़ में खोदी गई। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए।